नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। बालकुट छछरौली प्रशासन और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के प्रयासों से 7 साल पहले परिजनों से बिछड़ी लड़की अपने घर वालों से मिली। 7 साल से लापता बेटी से मिलकर पिता पुत्री दोनों ही भावुक हो उठे। ये पल देख कर मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। उसके पिता बोले, पिछले 7 साल से बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। 7 साल से बिछड़ी बेटी को दोबारा पाकर पिता ने हाथ जोड़कर नम आंखों से बालकुंज प्रशासन का धन्यवाद दिया। बालकुंज अधीक्षक मोना चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 2015 में बालकुंज में उनके पास परिजनों से बिछड़ी हुई एक बच्ची को लाया गया था। उसको यहाँ पर रखकर उसका ध्यान रखा गया और उसको स्कूल में भी भेजा गया। जब वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी तो उससे बातचीत करना शुरू की। जब उससे पूछा गया कि उसका घर कहाँ पर है तो उसने अपना घर दिल्ली में बताया। वो सिर्फ ये बताती थी कि उसका घर दिल्ली में है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। जब उससे प्यार से काउंसलिंग की गई तो एक दिन उसने बताया कि वो 2014 में देहरादून में भी एक इसी तरह के घर में रही थी। देहरादून बालकुंज में उसके बारे में बात की गई तो उन्होंने लड़की का सही एड्रेस बताया। उन्होंने बताया कि ये लड़की सहारनपुर के गागलहेड़ी गांव की रहने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार गागलहेड़ी थाना प्रभारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि 2015 में एक बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस के सहयोग से बच्ची के परिजनों तक सूचना दी गई। बच्ची के परिजन को तलाश करने में 7 साल का समय लग गया। जिस समय बच्ची बालकुंज में आई थी उसकी उम्र 9 साल की थी और अब बच्ची की उम्र 16 साल है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। अलका जी, आज एक बच्ची को अपने माँ बाप मिले हैं 6 साल के बाद, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो एक बहुत खुशी की बात है कि बच्ची आज अपने माँ बाप से मिली है और हमारा सबका यही प्रयास रहता है, जितने भी हम चाइल्ड इंस्टीट्यूट और जितने भी हम चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका यही प्रयास रहता है कि बच्ची अपने माँ बाप से मिले। तो आज एक ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है कि आज बच्ची अपने माँ बाप से मिली है और आज वो अपने घर जा रही है। तो कितने समय बच्ची रही है और कैसे कैसे आपने बच्ची को यहाँ पर ट्रीट किया और कैसे उसको संभाला है बच्ची को? जी, ये बच्ची यहाँ पर 2015 में आई थी और तब से ये यहाँ पर रह रही है। लगातार इसकी काउंसलिंग चलती रही लेकिन तब बच्ची कुछ बता नहीं पा रही थी अपने बारे में थोड़ा सही से, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बच्ची की काउंसलिंग की गई तो उसमें इसने बताया कि ये सहारनपुर की रहने वाली है। तो तब सबके प्रयासों से इसका घर ट्रेस किया गया और आज ये बच्ची अपने घर वापस आ रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती है बच्ची? ये 6th क्लास में पढ़ती है। मनोज, एक बच्ची को उसके माँ बाप को सौंपा गया है तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी देंगे, कैसे क्या हुआ? सर, मैं बताना चाहूँगी कि राधिका नाम की ये बच्ची 20/5/2015 को हमारे पास GRP यमुनानगर के द्वारा छोड़ी गई थी। शुरू से ही हमने बच्ची की फैमिली ट्रेस करने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन बच्ची ने उस समय काउंसलिंग में कुछ भी नहीं बताया। अभी हाल ही में हमें एक क्राइम ब्रांच से सूचना मिली कि बच्ची को दिल्ली की जगह रेकी करवाने के लिए ले जाया जाएगा। जैसे बच्ची से दिल्ली ले जाने की बात की गई, बच्ची ने बताया कि वह सहारनपुर ज़िले की है। सहारनपुर ज़िले में बच्ची का परिवार ढूंढने की कोशिश की गई और इसका परिवार कुतुबपुर कुसानी में मिला। इसके पिता से संपर्क साधकर उसको यहाँ होने की सूचना दी गई और आज बच्ची के पिता बच्ची को लेने आए हैं और परिवार बच्ची से मिलकर बहुत खुश है। तो जो बच्ची ने समय बिताया है तो बच्ची ने पढ़ाई किया यहाँ पर, क्या किया इतने समय में? बच्ची हमारे पास लगभग 7 साल यहाँ पे रही है। इन 7 सालों में हमने बच्ची का एडमिशन स्कूल में करवाया और बच्ची ने 2nd क्लास से 8वीं क्लास में पहुँच कर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। 6 साल बाद आपकी बच्ची मिली है जी, कैसे ये बच्ची गुम हुई थी और कैसे आपको मिली है इसके बारे में बताएं। इसके नाना जी घर छोड़ के गए थे, शाम को निकल गई थी। कहाँ के रहने वाले थे नाना जी? जवालापुर के। तो कितने समय बाद आपको मिली है बच्ची आपकी? 5-6 साल बाद। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा कि बच्ची यहाँ पर है? इसने फोन किया होगा, घर पर फोन किया था। तो जिस समय ये गुम हुई थी तो कितने साल की उम्र, कितनी उम्र थी बच्ची की? 6 साल के करीब। 6 साल की। तो अभी कितनी उम्र है बच्ची की? इसकी उम्र है 14 साल के करीब। अच्छा अच्छा, तो बच्ची आपको मिल गई है इतने सालों के बाद, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जी? बच्ची आपकी मिल गई है, बच्ची खुशी हो रही जी। तो कुछ बालकुंज वालों को कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जैसे बच्ची के बारे में? इनका बहुत शुक्रिया। तो आपने ढूंढने की कोशिश की इतने साल से अपनी बच्ची को? कहाँ ढूंढा?
बहुत जगह ढूंढा जी, हरिद्वार में ढूंढी, रुड़की में, सहारनपुर में। ठीक है। हेलो, सर ये राधिका नाम की लड़की 20/5/2015 को हमारे पास GRP यमुनानगर के द्वारा छोड़ी गई थी। बच्ची मिसिंग कैटेगरी में थी। वर्ष 2015 से ही हम बच्ची का परिवार तलाशने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। बच्ची के बताए गए तथ्यों के अनुसार बच्ची का परिवार हमने पुरानी दिल्ली में ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बताए गए तथ्य झूठ निकले और परिवार वहाँ पर नहीं मिल पाया। बच्ची की बार बार काउंसलिंग की गई। अभी कुछ ही दिन पहले बच्ची ने बताया कि उसने अपनी सारी जानकारी छुपा के रखी है और बच्ची सहारनपुर की रहने वाली है, लेकिन गांव, मोहल्ले या पिता माता के नाम में उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। एक जानकारी और बच्ची ने दी कि वर्ष 2014 में वो देहरादून के किसी होम में रही है और वहाँ से उसके पिताजी और माताजी उसको वापस लेकर घर गए, जिसके क्रम में हमने देहरादून के सभी होम से संपर्क साधा और एक होम से बच्ची की जानकारी मिली कि 2014 में बच्ची उनके होम में रही है। उसके बाद उनसे संपर्क साधकर बच्ची की सारी डिटेल्स और उसके पेरेंट्स की डिटेल्स ली गई और बच्ची के परिवार वालों से संपर्क साधा गया। जानकारी में जो हमें प्रोवाइड की गई होम के द्वारा, देहरादून होम से, उन्होंने बताया कि बच्ची कुतुबपुर कुसानी, जिला सहारनपुर की रहने वाली है। थाना कुतुबपुर कुसानी गागलहेड़ी के SHO से संपर्क साधा गया। बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट वहां पर दर्ज थी। इन तथ्यों को जोड़कर माता पिता को आज बालकुंड में बुलाया गया और जिला बाल कल्याण समिति यमुनानगर के आदेशों के पश्चात बच्ची पिता को सौंपी गई। कितनी उम्र थी मैम जिस टाइम यहाँ पे बालकुंड आई थी और अब कितनी उम्र? जब बच्ची हमारे पास आई उसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी। आज बच्ची 7 वर्ष पश्चात लगभग 15-16 साल की है और वर्तमान में 8वीं कक्षा में वो शिक्षा ग्रहण कर रही थी। तो बच्ची जब अपने परिवार से मिली कितनी खुश थी और उसका परिवार मिलकर कितना? जहाँ तक बच्ची के परिवार की बात है, जैसे ही मैंने बच्ची के परिवार में फोन किया तो परिवार में स्थिति ऐसी थी कि एक बहुत ही खुशी का माहौल था। परिवारजनों ने कहा कि हमें ये लगता था कि 7 वर्ष हो गए हैं, बच्ची शायद जिंदा ना हो, लेकिन बच्ची को सकुशल पाकर परिवार बहुत खुश था और बच्ची भी परिवार में जाकर बहुत खुश है। तो अक्सर जैसे यहाँ से बच्चे घर के लिए जाते हैं तो कई बार मना कर देते हैं बच्चे बालकुंज से जाने के लिए, क्या इस बार भी ऐसी कोई स्थिति आई? ऐसा है कि बालकुंज में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवाई जा रही हैं, उन सुविधाओं के चलते बच्चे परिवार में जाना कई बार पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है और जीवन में माता पिता या परिवार का महत्व बताते हुए उन्हें परिवारजनों को सौंपा जाता है।